है भटकने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अंत में घूम फिर करके अपने पर ही आना होगा। सबका मूल, सबका केंद्र ये आत्मा है। अब शास्त्रों में पढ़कर देखिए, ये बात बार बार आती है, बार बार आती है, लेकिन पंडित पुरोहित लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात बताएंगे तो पुरोहिताई खत्म हो जाएगी, फिर आप उनके पास जाके क्यों पूजा करवाने के लिए। वो तो कहते हैं ईश्वर अलग है ऊपर आकाश में, हम अलग हैं, हम एजेंट हैं उस ईश्वर के, हम तो पूजा कराओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, आप कल्याण होगा ना हो ना हो, पंडित का कल्याण होगा क्योंकि दान दक्षिणा मिल गई उसको, भले आप चाहे तो नरक में जाओ। तो सबको आदर, पंडित को आदर तक दो, लेकिन मूल बात क्या है ये समझने की चेष्टा करो। जब तो मूल बात नहीं समझेंगे तब तक भटक का अवसर होता। कबीर साहब बार बार कहते हैं, दिल मा खोज दिले में खोज यही करी मा रामा, जे खोजत कल्पो गया घट हे माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए। जिस परमात्मा को मोक्ष को खोजते खोजते अनादिकाल का समय बीत गया, वो तो घट में है, अहंकार बढ़ गया और संदेह बढ़ गया, इसलिए दूर हो, वो परमात्मा दूर जैसा हो गया है, दूर नहीं है, भूल गए हैं, भटक गए हैं। जैसे आपके घर में कोई चीज होती है, भूल गए, वो तो आपने जहां रखी वही रखी होगी, बस भूल हो जाए, भूल मिट जाए, खत्म। चीज कहीं और है, खोजो और कहीं, मिले कैसे। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर रावे हाथ, सज्जन सोच रहा ये पारख रहा है, पारख राखे साथ। वस्तु कहीं और हो, खोजो और, वो कहानी याद करो। शाम का समय था, इसे थोड़ा और अंधेरा हो गया, शाम हो गई थी। एक बूढ़ी माँ घर में बैठे कपड़े सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते किसी काम से उठी, काम करते करते थोड़ा और अंधेरा हो गया। आई देखती है तो सुई खो गई, सुई मिलती नहीं है, खोजती ही वह सुई को, लेकिन घर में अंधेरा। इतने में बाहर सड़क की बत्ती जल गई, तो वो सड़क घर से बाहर निकल सड़क में खोदने लगी। कुछ युवक आए, देखा कि बूढ़ी माँ कुछ खोज रही है, तो मुझे पूछा, माँ क्या खोज रही हो? कहा, बेटा सुई खो गई है। तो युवकों ने सोचा कि भाई माँ बूढ़ी है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, चलो हम लोग सहयोग कर दे। वो युवक भी खोदने लग गए। आधा घंटा खोजने के बाद भी जब सुई नहीं मिली, तो लोगों ने, उन युवकों ने पूछा, माँ सुई खोई कहाँ है? कहा, बेटा वो तो घर में खोई है, क्या सड़क में क्यों खोजती हो? क्या क्योंकि घर अंधेरा है और यहाँ पर प्रकाश है। तो युवकों ने कहा, माँ यदि सुई घर में खोई है तो बाहर खोदने से नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी प्रकाश क्यों हो जाओ, घर में प्रकाश दिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा हृदय में निवास कर रहा है, और हृदय में अज्ञान का अंधकार है, हम दिया जला रहे हैं मंदिर में। मंदिर में प्रकाश करने से भीतर बैठे परमात्मा का दिखाई नहीं पड़ेगा। हृदय मंदिर में ज्ञान का प्रकाश जलाओ, भक्ति का, धर्म का प्रकाश जलाओ, तो वहां बैठा हुआ जो आत्म तत्व रूपी परमात्मा है उसका दर्शन होगा, उसका बोध होगा।